बीजेपी सत्ता के दुरुपयोग की चरम सीमा पार कर रही है जब सोनिया गांधी आर्थिक मंदी की बात करती हैं, तो एसपीजी सिक्योरिटी वापस ले ली जाती है प्रियंका गांधी यूपी सरकार के कुकर्मों को उजागर करती है तो बंगला वापस ले लिया जाता है राहुल जी कोरोना मिसमैनेजमेंट आर्थिक मंदी और चीन के घुसपैठ पर सवाल उठाते हैं तो राजीव गांधी फाउंडेशन की इंक्वायरी होने लगती है लेकिन क्या इस बात की जांच नहीं होनी चाहिए कि अजीत डोपाल के बेटे शौर्य डोभाल के थिंक टैंक इंडिया फाउंडेशन की फंडिंग कहां से होती है क्या इस बात पर सवाल नहीं उठने चाहिए कि विदेश मंत्री एस जयशंकर के बेटे से एसोसिएटेड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन को चाइनीज कॉन्सुलेंट से एक करोड़ पच्चीस लाख की राशि डोनेशन के रूप में क्यों प्राप्त हुई है इस बात पर सवाल क्यों नहीं पूछे जाते कि विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन दुश्मन देश चीन के विभिन्न संस्थानों के साथ काम क्यों कर रहा है आपको बता दें कि भाजपा और आरएसएस के बेहद करीबी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोबाल इस फाउंडेशन के संस्थापक निदेशक हैं। इसने अपनी वेबसाइट पर घोषित किया है कि ये फाउंडेशन विदेश और रणनीतिक मामलों में चीनी संस्थानों के साथ काम कर रहा है इस पर जांच क्यों नहीं बिठाई जाती है जांच तो इसकी भी होनी चाहिए आरएसएस की फंडिंग कहां-कहां से होती है पीएम केयर्स फंड में चीन की कंपनियों से कितने पैसे आए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को सात हजार करोड़ कहां कहां-कहां से मिले हैं साथ ही चुनाव में मदद करने वाले अपने साथियों को मोदी जी ने कितने ठेके दिए हैं यदि बीजेपी में हिम्मत है तो इनकी भी जाँच कराए